हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महेश भाई मानव सर। तो कल मैं आप लोगों को एक क्लास करा रहे थे, उसमें 19 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, 20वां क्वेश्चन आपका रह गया था टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो आज हम 20 क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करवा देंगे आप, ठीक है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपये मजदूरी कमाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज परसेंटेज है, फ्रैक्शन है और रेशियो, इन चीज जब ये चीजें क्वेश्चन में दी जाती हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी रियल वैल्यू की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जो मतलब वैल्यू वहां पे दी जाती है, हम क्या करते हैं, एज्यूम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है कि इतने परसेंट घटाया जाता है और इतने परसेंट बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम इसी की मदद से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि एक मजदूर 60 घंटे एक सप्ताह में काम करके 2400 रुपए कमाता है। कितने कमाता है? 2400 रुपए। कह रहा है कि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16/2/3% घटाया जाता है। तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी कि परसेंटेज चेंज क्या आएगा उसकी इनकम में, ठीक है। 40% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो 2/5 होती है, ठीक है। और उसकी जो प्रति घंटे की मजदूरी है, प्रति घंटे मजदूरी, ठीक है, प्रति घंटे मजदूरी, प्रति घंटे मजदूरी, ठीक। फिर उतने उसने मतलब कितने समय तक काम किया, काम और कुल मजदूरी। देखिए, अगर हम कुल मजदूरी जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुल मजदूरी में जो हमने काम जितनी देर मतलब जैसे एक घंटे में हमें जितने रुपए मिलते हैं वो, और जितने घंटे काम किया, जैसे मैंने पर घंटे हमें 30 रुपए मिलते हैं और 5 घंटे काम किया, ठीक है, तो कितने रुपए हो गए, 5×15=150 रुपए। तो मतलब यही इसका क्या है, मानक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि उसके प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो 40% इंक्रीज होती है, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, और उसका जो इनकम है, उसका जो काम है, यानी कि जो वो वर्क कर रहा है वो कम किया जाता है, ठीक। कितना कम किया जाता है, 16/2/3 है यहाँ पे, 16/2/3% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 16/2/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी, 16/2/3% की फ्रैक्शन, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/6 बनेगी, 1/6। तो देखिए प्रति घंटे मजदूरी उसकी कितनी है, मतलब यानी कि मजदूरी जो है वो उसकी प्रतिदिन मजदूरी 40% बढ़ाई जाती है। यदि हम क्या करें, मजदूरी को 5 यूनिट मान लें, तो 5 यूनिट से कितनी की जाती है, 5×40% कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, मैंने कल आपको बताया था। तो प्रतिदिन जो प्रति घंटे मजदूरी है वो 5/7 की जाती है, कितनी की जाती है, 5/7, ठीक। और उसका जो काम है वो क्या किया जाता है, 16/2/3% कम किया जाता है, यानी कि 6×16/2/3% 1 होगा, 6/1 कम, यानी कि 6/5 किया जाता है। पहले भाई 6 घंटे काम किया करता था, अब काम कितना कर रहा है, 5 घंटे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रति घंटे मजदूरी 5 यूनिट थी, काम 6 घंटे करता था, तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 5×30 रुपए, ठीक है। अब उसकी प्रति घंटे मजदूरी कितनी है, 7 यूनिट, और काम कम हो गया, 6/1 घंटे कम, यानी कि 5 घंटे कर रहा है, मजदूरी कितनी हो गई, 35। मजदूरी में देखिए, पहले वो 30 रुपए कमाता था, 35 रुपए कमाने लगा है, कितना इंक्रीज हुआ, 5 रुपए, कितना इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट कितने पे इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट जो उसका इंक्रीज हुआ वो हुआ है 35 पे, 5 यूनिट जो उसका इंक्रीज हुआ वो कितने पे हुआ, 35 पे। तो 100 यूनिट कितने पे होगा, 5×5=35, और 100/7 जब इसे सोल्व करेंगे तो 7×7=3, 7×4=28, 14/2/7%, ठीक है। तो उसकी प्रति घंटे मजदूरी जब 40% बढ़ाई जाती है, यानी कि मजदूरी कितनी हो जाती है, 5/7 काम,
काम उसका 16 सही 2/3% घटाया जाता है यानी कि 6 से 5 हो जाता है। तो पहले वो 30 रुपए कमाता था, 35 रुपए कमाने लग रहा है, तो 5 का इंक्रीज हुआ कितने पे हुआ, 35 पे। सॉरी 5 का इंक्रीज हुआ कितने पे हुआ, यहाँ पे 5 का जो इंक्रीज हुआ उसकी जो 5 की वृद्धि वो 30 पे हुई, कितने पे हुई, 30 पे। 5 की वृद्धि कितने पे हुई, 30 पे, तो 100 पे कितनी होगी। तो देखिए 5 × 5 = 36 और 100/6 जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 = 36 और कितना बचा, 4/6, यानी 16 सही 4/6। अगर इसे हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 2 × 3 = 6, 16 सही 2/3% का क्या होगा, 16 सही 2/3%। कह रहा है कि तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसकी जो इनकम है इनकम में चेंज आएगा, कितना आएगा, 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% उसकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले वह 30 रुपए कमाता था, अब 35 रुपए कमाने लग रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है 30 पे, तो मतलब 100 पे कितने होगी, 16 सही 2/3%। 100 पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि 100 पे ही परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। देखिए कीमत यानी कि कीमत, ठीक है, कीमत और खर्च यानी उपभोग खर्च, ठीक है, कीमत 16 सही 2/3%। मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी जो परसेंटेज जो ये इसे आपको लर्न करना है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 16 सही 2/3% 1/6, तो चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, यानी कि 6 से कितनी हो जाती है, 7, यानी कि कीमत जो है उसकी 6 से 7 हो जाती है, ठीक है, और खर्च जो है वो 20% कम कर दिया जाता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 20% 1/5, यानी कि 20% कम का मतलब है कि 5 से 1 कम, यानी कि खर्च जो पहले वो कर रहा था 5 यूनिट, अब खर्च कितने कर रहा है, 4 यूनिट। तो खर्च, तो कुल खर्च यहाँ पे जब आप निकालोगे कुल खर्च, तो देखिए पहले 6×5 = 30 रुपए, पहले वो 30 रुपए खर्च करने लग रहा था, अब 7×4 = 28 रुपए, तो खर्च में, खर्चे में क्या हुई, उसकी कमी आई, कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। देखिए 2 की कमी कितने पे, 2 की कमी जो उसकी आई है वो 30 रुपए पे आई है, तो कह रहा है 100 पे क्या होगी, तो देखिए इसे जब कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 20/3 इसे जब सोल्व करेंगे तो 3 × 18 6 सही 2/3% की कमी आ जाएगी कुल खर्चे पर। खर्च में प्रतिशत यानी परसेंटेज चेंज ज्ञात करना है, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, 6 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी उसके खर्चे पर, जब वह क्या करेगा, 20% यानी कि 16 सही 2/3% उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है चीनी में, चीनी की, और उसकी खपत में 20% की जब कमी कर दी जाती है, तो खर्चे में कुल परिवर्तन जो आएगा वो 6 सही 2/3% का आएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री, सिनेमा है, टिकटों की बिक्री है 57 सही 1/60% बढ़ जाती है और टिकट की जो कीमत है वो 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। बिक्री इतने प्रतिशत बढ़ती है और टिकट की कीमत इतने प्रतिशत बढ़ती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 57 सही 1/60% की आपको क्या करनी है, फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, तो देखिए 57 सही 1/60% कितना होता है, 57 सही 1/60% 4/7, कैसे निकालोगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/7 जो होता है वो कितना होता है, 14 सही 2/7%। ठीक है, इसमें देखिए 4/7 का जब मान ज्ञात करेंगे तो 4/7 14 × 2 = 56 और 4 × 2 = 8/7। ठीक है, 7 का भाग 8 में पुनः लगेगा तो 57 सही 1/7 हो जाएगा, तो 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 4/7 आएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टिकट की बिक्री है वो इतने प्रतिशत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टिकट की बिक्री, तो बिक्री जब बढ़ती है यानी कि 7 का 57 सही 1/7% 4 है, यानी बिक्री 7 से 4 इंक्रीज हो रही है, तो 7×4 कितना हो जाएगा, 11, यानी बिक्री 7 से 11 हो रही है। ठीक है, और कीमत जो है यानी कि टिकटों की कीमत, कीमत में क्या चेंज आ रहा है, कीमत में 16 सही 2/3% की टिकट भी इंक्रीज हो रही है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी कि 6 से 1 इंक्रीज हो रहा है, 6 से कितना बढ़ रहा है, 7, तो यहाँ पे कीमत 6 से 7 हो रही है। तो देखिए जो 7 टिकटें उसने बेची,
6 रुपए की दर से, तो कुल कितने रुपए आए, कुल कितनी कीमत हुई, कुल कीमत, तो कुल कीमत जो होगी वो 7×42 रुपए, ठीक है। अब जब बिक्री 7 से, मतलब यानी कि 7 रुपए की एक टिकट अब हो गई 7×11 और कीमत हो गई 7, तो मतलब 11×7=77 और कुल कीमत कितनी हो गई 77, तो क्या पहले वो 42 रुपए की बेच रहा था, अब 77 रुपए की बेचने लग रहा है, तो कितना 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 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 5 × 3=35, 35 का इंक्रीज हुआ कितने पे हुआ, 35 का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 42 पे, तो 100 पे कह रहा है कितना होगा, देखिए 5×7=7, 7×5=35 और 7×42, तो देखिए 5/6 × 100 आया है। आप लोगों को बताया था कि 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3%, तो 5/6 निकालने के लिए कितना हो जा करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×5=80 और 5×2=10/3%, यानी कि 83 सही 1/3% का क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी कुल इनकम। तो राजस्व में यानी कि कुल कीमत में राजस्व पहले 42 रुपए कमाता था, अब 77 रुपए कमाने लग रहा है, 35 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 42 पे, तो 100 पे कितनी होगी, 83 सही 1/3% की, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए आयत जो होता है, आयत में एक लेंथ होती है, एक चौड़ाई होती है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया, वो कितना होता है L×B, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से कितना हो रहा है, लंबाई 5 से 6 कर दी जा रही है, और चौड़ाई को 5% बढ़ाया जाता है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, यानी कि 20 से कितनी हो रही है, 20 में 20 पर 1 बढ़ रही है, 20 से 21 हो रही है चौड़ाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पहले कितना था 100, अब कितना हो रहा है 126, तो कितने का इंक्रीज हुआ 26 का इंक्रीज हुआ कितने पे, देखिए 26 बढ़ा कितने पे, बढ़ा 100 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा इंटू 100 कैंडल 26% क्या होगा, इंक्रीज होगा उसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज होएगा 26%, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है, फिर 80% बढ़ाया जाता है, कह रहा है कि 20% घटाया जाता है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 से 1 की कमी हो रही है, तो मतलब यानी कि अगर संख्या हमने 100 मानी है तो 5 पे 1 की कमी यानी 4/5, फिर 80% बढ़ाया जाता है, यहाँ पे ये माइनस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस, यानी कि 80% बढ़ाया जाता है, तो 20×80 = 20×5=100, तो मतलब 4 का इंक्रीज हो रहा है 5 पे, यानी कि संख्या 9/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5×25 और 25×100, 4×16 नेमा 144, यानी कि संख्या 100 थी और कितनी हो गई 144, तो कितने का चेंजमेंट आया 44% का, यानी कि संख्या 44% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड इसका, कह रहा है कि संख्या 20% घटाया जाता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी कि संख्या थी 5, हो कितनी गई 4, यानी कि 5 से 4 हो गई है, ठीक है। 80% बढ़ाया जाता है और 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 80% की फ्रैक्शन 4/5, यानी कि 5/4 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो 5 से 9 हो रही है, ठीक। पहले संख्या 5×25 थी, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5×25 थी, 9×36 कितनी बढ़ गई, 9 का इंक्रीज हुआ कितना, 25 यानी कि 11 का इंक्रीज हुआ कितने पे हुआ, 25 पे, तो कह रहा है 100 पे, यानी कि देखिए यहाँ पे 11 का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का कितने पे हुआ 25 पे हुआ, तो कह रहा है 100 पे कितना होगा, 25×100 और 11×44, यानी कि 44% का इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु पर कर, एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाता है और तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है। कर का मीन्स है कि कोई वस्तु जैसे अगर 100 रुपए की थी तो 10% बढ़ा दिया गया यानी 110 में मिलने लगी, ठीक है, ये होता है। तो वस्तु पर कर, पहले वस्तु कितने की थी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ठीक है, ये रहने दीजिए, कलर जो है वाइट ही रखिए।
कह रहा है कि एक बस पर कर 10%, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, यानी कि 10 पे 1 का इंक्रीज हो गया, ठीक है कर। तो देखिए कर जो था वो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, और इसकी जो खपत है, खपत में क्या हो रहा है, खपत में 10% कम कर दिया जाता है, यानी कि 10% 1/10, और 10 पे क्या हो रहा है 1 की कमी हो रही है, यानी कि 10 से 9 खपत कितनी हो रही है 10 से 9 हो रही है, ठीक है। तो देखिए तो उसके राजस्व में, तो राजस्व क्या आएगा, राजस्व पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया 99 रुपए हो गया, 1 की क्या हो गई कमी हो गई, कितने पे हो गई 100 पे, तो 100 पे कितनी होएगी 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1% की राजस्व में क्या हो गई कमी हो गई, प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। अच्छा इस सवाल को इसका सेकेंड मेथड आप देख लीजिए, सेकेंड मेथड कह रहा है कि राजस्व में 10% का इंक्रीज, यानी कि 10 से 11 हो गई, फिर 10% की कमी, यानी कि 10 से 9, तो देखिए 10 का 10 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है यहां पे, क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 100 और 99, तो क्या हो गई, पहले उसका राजस्व 100 था, अब कितना हो गया 99, 1 की कमी हो गई, कितने पे हुई 1 की कमी 100 पे, तो 100 पे कितनी होएगी, देखिए 100 पे जब किसी चीज की कमी होती है तो उसकी जो कमी जितनी होती है उतना ही परसेंटेज परसेंट होता है, ठीक है। अब ये चीज हम डायरेक्ट लिखेंगे आगे से, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखिए दो संख्याएं यानी कि तीसरी संख्या से क्या है 20% 50% अधिक है, कितनी अधिक है 20% और 50%, तब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। देखिए दो संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी संख्या हमने मान ली कितनी है, तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है, कितनी है 100, और दो संख्याएं जो है वो 20% और 25%, यानी कि पहली संख्या 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक यानी 120 होगी, और दूसरी 50% अधिक है यानी कि 150 होगी। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, हमने आपको बताया था जो का की के वाले होते हैं वो हमेशा कहां लिखे जाते हैं नीचे, का है की और के, इनको हमेशा हम कहां लिखते हैं नीचे, यानी कि अपॉन में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि 120 जो है वो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी 150 का 120 कितने परसेंटेज है, तो देखिए 0 0 कैंसिल, और 3 4 12 3 5 15, 5 1 5 5 2 10 20 4 80%, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितने परसेंट है 80% है, ठीक है। यानी कि दूसरी संख्या का जब हम 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा 120 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 150 का 80%, 150 × 80/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 15 8 120 आ गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 80% है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, देखिए पहली संख्या दूसरी और तीसरी, हमने तीसरी संख्या से दो संख्याएं इतने इतने कम है, तो तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, पहली संख्या कितनी कम है 25% कम है, 25% 100 पे जब कम होगा यानी कि पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हो गई 75, और दूसरी संख्या कितनी कम है 20% कम है, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई 80, तब पहली संख्या दूसरी का, हमने कहा का दूसरी का, तो इसे नीचे लिखेंगे, दूसरी कितनी है 80 और पहली कितनी है 75, तो पहली दूसरी का कितने परसेंट है, ठीक है। तो देखिए 0 से 1 0 आप चाहो तो काट सकते हैं, काट सकते हो, और 2 4 8 2 5 10, तो 5 25 5 7 35 2 37/4, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 9 36, कितना बचा 1, 4 3 12 और 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 93.7% है पहली संख्या दूसरी का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है 93.73% है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है एक यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, देखिए गौतम कौन है, गौतम है और सीमा है, गौतम और सीमा, सीमा जो गौतम की लंबाई है वो सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो देखिए सीमा 10 का 10% कितना होएगा 1 होएगा, 10 का 10% कितना होगा 10% 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर सीमा की लंबाई 10 है,
ठीक है, ये ओरिजिन वैल्यू को दिखाता है, मूल वैल्यू यानी कि सीमा की वैल्यू कितनी, सीमा की लंबाई कितनी है 10, तो गौतम की लंबाई कितनी हो जाएगी 11। तो ये कह रहा है कि सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने कम है, एक कम है, कितने यूनिट कम है, एक यूनिट कम है, और एक यूनिट कम है कितने पे, एक यूनिट जो कम है वो है 11 पे, कितने पे कम है 11 पे, तो कह रहा है 100 पे कितनी कम होगी, एक यूनिट कम है 11 पे, एक यूनिट कम है 11 पे, एक यूनिट कम है 11 पे, तो 100 पे कितनी होगी, तो देखिए जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/1/11 जो होता है वो 9 सही 1/11% होता है, मैंने आपको ये फ्रैक्शन लर्न करवाई थी, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स जब हमने आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ पे 1/11 कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 40% ज्यादा है, कितना 30% और 40% ज्यादा है, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो देखिए थर्ड सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड अगर नंबर हमने 100 मान लिया तो दो संख्याएं हैं 30% और 40% ज्यादा है, यानी कि पहली संख्या कितनी होगी 130, दूसरी संख्या कितनी होगी 140, ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि ये संख्या जो है इस संख्या का, तो दूसरी संख्या का यानी कि दूसरी नीचे लिखनी होगी, दूसरी कहां लिखेंगे नीचे लिखेंगे 140, और पहली कितनी है 130, दूसरी का की के हमेशा नीचे लिखते हैं, का की के कहां लिखे जाते हैं नीचे लिखे जाते हैं, तो दूसरी का यानी 140 नीचे 140 रुपए, तो 100 पे कह रहा है कितना कितने प्रतिशत है, 0 0 कैंसिल और यहां पे 13/14, तो देखिए दोस्तों 1/14 क्या होता है, 1/14 हमने आपको बताया था 7 सही 1/60% होता है, 1/14 7 सही 1/60% होता है, तो 13/14 ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे देखिए 1/14 यहां पे देख लीजिए 1/14 होता है 7 सही 1/7%, तो 13/14 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 93/91 सही 13/7, 7 का भाग एक बार फिर लग जाएगा तो 92 सही 5/7%, इस तरह आप इजीली फ्रैक्शंस को बना सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको फंडामेंटल्स फ्रैक्शंस करवाई थी मौलिक भिन्नें, मैंने बताया था आपको कि मूल भिन्नें, मैंने आपको बताया था कि इन जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें आप लर्न कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी, वैसा ही कुछ हो रहा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, देखिए दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने पीछे करवाया था, ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 3, और थर्ड नंबर हमने मान लिया 100 है, और दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत कम है, यानी कि ये 80 है और ये कितनी है 50 है, ठीक है, 100 से ये 20 कम ये 50 कम, तब पहली संख्या दूसरी का, हमने कहा का की के को हमेशा कहां लिखते हैं नीचे लिखते हैं, तो दूसरी का दूसरी कितनी है 50, पहले कितनी है 80, तो 100 पे कितनी कम होगी, देखिए 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 और 8 2 16, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 160% है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में हैं, पुस्तकालय है उसमें 30% हिंदी भाषा में है, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है, तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है, शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, जो शेष बची हैं वो कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है, तो देखिए एक पुस्तकालय है मान लिया कि उसमें टोटल जो बुक्स हैं वो यक्स हैं, कितनी हैं यक्स हैं, तो यक्स बुक्स हैं एक पुस्तकालय में, और 30% जो किताबें हैं वो हिंदी भाषा में है, यानी 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/10 होगी, ठीक है, यानी कि अगर टोटल 10 किताबें हैं तो इसमें 3 है हिंदी भाषा में, अब शेष कितनी बची, शेष तो 3 हिंदी भाषा में है, यानी कि शेष बची हैं 7/10, ठीक, शेष कितनी बची 7/10, और 40% जो है फ्रेंच भाषा में है 40%, तो देखिए 40% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5,
ठीक है, तो अब बुक्स जो शेष बची हैं इनमें 20% किसकी हैं? फ्रेंच भाषा की। तो अब कितनी बची? 3/5, 3/5। और क्या कह रहा है कि शेष किताबों का 60%, 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/5, यानी कि 3 किताबें 5 में से 3 किताबें किसकी हैं? स्पेनिश भाषा की। तो अब कितनी किताबें बची? 2/5। कितनी बची? 5 में से 3 गया, तो कितना बचा? 2/5। और शेष बची 8400 किताबें। जो बची हैं ये किसकी किताबें हैं? ये अंग्रेजी भाषा की हैं। तो मैंने कहा था कि मान लिया कि अंग्रेजी भाषा की जो किताबें हैं वो एक्स किताबें हैं, ठीक है, तो ये किताबें हैं अंग्रेजी भाषा की, तो ये कितनी है? 8400। तो इसे देखिए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व जब आप करोगे तो 2 × 2, 2 × 5, 10। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 1, 7 बचा 1, 7 × 2, 14, 7 × 84। यहां देखिए 3 से जब इसे कैंसिल करेंगे, 3 × 4, 12, 400। यहां पर देखिए 5 × 25, 125, यानी कि x बराबर 125 × 400। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 2 0 हैं, ये डायरेक्ट लिख लेंगे 1 2। 4 का मल्टीप्लाई 4 × 5, 20 की 0, 4 × 2, 8, 2, 10, 4 × 1, 4 और 1, 5, यानी कि x बराबर कितनी आ गई? 50। तो कह रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? तो पुस्तकालय में जो कुल किताबें हैं वो 50,000 हैं। कितनी हैं? 50,000 किताबें हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड देखिए इसका, कह रहा है कि 30%, यानी 30%, देखिए 30% की फ्रैक्शन 3/10, और 40% की फ्रैक्शन 2/5, और 60% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/5। तो ये कह रहा है कि जो 30% है, यानी कि 10 किताबें हैं, 10 में से 3 किसकी हैं? 3 जो हैं वो हिंदी भाषा में हैं। किसमें हैं? हिंदी भाषा में हैं, ठीक है, यानी कि किताबें 10 हैं, 10 में से 3 हिंदी भाषा, तो कितनी बची? 7, ठीक है। और 40% फ्रेंच भाषा में है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि अगर किताबें 5 हैं तो 2 किसकी हैं? फ्रेंच भाषा की हैं। कितनी बची? 5 में से 2 गया 3, यानी कि टोटल किताबें हैं 5, 2 किताबें हैं फ्रेंच भाषा की, तो कितनी बची? 3, सॉरी कितनी बची? 3। कह रहा है कि शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी हो? 5/3/5, तो 3 किसकी हैं? स्पेनिश भाषा की। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। टोटल किताबें 5, ये 2, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से ये 2 × 2, 2 × 5 = 10, यानी कि ये कैंसिल भी हो जाता है, इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हो अगर कैंसिल होता है। तो देखिए 5 × 25 = 125, ठीक है। यहां पे देखिए 7 × 3 = 21, तो यहां पे कितनी कमी हुई? 21 यूनिट। और जो 21 यूनिट किताबें जो बची हैं ये किसकी हैं? ये अंग्रेजी भाषा में हैं, ठीक है। तो 21 यूनिट कितना हो गया? 8400। 1 यूनिट कितना होगा? 21 × 2, 8400। तो 25 × 125, टोटल किताबें कितने हैं? 125 यूनिट। तो 125 यूनिट 400 × 125, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है, 50,000। तो पुस्तकालय में कुल किताबें आपकी निकल आएंगी कितनी होंगी? 50,000 किताबें होंगी, ठीक है, 50,000 बुक्स होंगी। आगे देखिए कह रहा है कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है यदि चावल पर खर्च बढ़ रहे हैं। चावल, जो चावल मिलता है उसकी कीमत में 40% इंक्रीजमेंट होता है, ये चावल का खर्च बही रहे, यानी कि खर्च में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए चावल की जो कीमत है, कीमत में क्या हो रहा है कि 40% की, यानी कि 40% की वृद्धि हो रही है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 40% की जो फ्रैक्शन होगी, 40% × 2/5, तो कीमत 5 से कितनी हो रही है? 5/2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो कीमत है वो 5 से 7 हो रही है, ठीक है। कह रहा है कि खर्चा बही रहे, देखिए यदि आपको क्या करना है, खर्चा सेम रखना है, तो आपकी जो खपत है, खपत अगर जैसे कोई चीज है
चावल की कीमत 5 से 7 हो गई और हमें खपत सेम रखनी है, तो हमें कीमत क्या करनी होगी, तो हमें खपत उल्टा करना होगा 7 से 5। तो देखिए कीमत पहले 5 रुपए थी, अब खपत है 7, तो कितना, तो कुल खर्च कितना आएगा 35 रुपए। यहाँ पे पहले कीमत 7 रुपए थी, खपत 5 है, तो मतलब यानी कि कुल खर्च कितना आएगा 35 रुपए थे। देखिए क्या है, खर्चा सेम है, खर्चा बही रहे, दोनों स्थितियों पे कह रहा है कि खर्च बही रहे। और यहाँ पे देखिए खर्चा बही है, कीमत 5 से 7 हो रही है, खपत 7 से 5 अगर कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अगर कीमत 5 से 7 इंक्रीज, 5 से 7 हो रही है और हमें खर्चा सेम रखना है, तो 7 तो खपत 7 से 5 यूनिट करनी होगी। तो देखिए 5 7 35 और 7 5 35, यानी कि जो कुल खपत है वो दोनों स्थितियों में क्या है, समान है। अब कह रहा है कि चावल की खपत में कमी, तो चावल की खपत में कितनी कमी आ रही है दोस्तों, देखिए खपत कितना है, 7 यूनिट पहले कर रहे थे, अब खपत कितनी हो रही है 5 यूनिट, तो खपत में कमी, कितने यूनिट की कमी हो रही है, 2 यूनिट की कमी हो रही है, ठीक है। तथा प्रारंभिक खपत, अच्छा प्रारंभिक खपत कितनी थी, 7 यूनिट, तो इनके बीच का रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए खपत में कमी 2 यूनिट की और प्रारंभिक खपत 7 यूनिट, तो रेशियो कितना आ गया, 2:7, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आप लोगों तक भेज देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 कितना है, 82 है, तो इस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है और x का 1/3 कितना है, 82 है, तो वह संख्या कितनी होगी, 82 इंटू 3, तो 3 2 6 24, यानी कि x बराबर 246, संख्या कितनी हो गई 246। और इस 246 का कह रहा है कि 80% क्या होगा, 246 × 80/100, 0 0 कैंसिल और 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। तो 246 × 4/5, तो 3 2 6 8 24, ठीक है भाई, तो 246 × 4/5, तो 4/5, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई यहां पे कर ले पहले, ठीक है। तो 4 6 24 और 4 4 16 और 2 18, 4 2 8 और 1 8 9/5, 5 का भाग दे, 5 1 5 और 4 5 45 बचे 3, तो 5 6 30 और 5 8 40, तो कह रहा है कि इस संख्या का 80% कितना होगा, 196.8 होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सेबों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपए की बजाय 1 रुपए में खरीद पाता है। देखिए सेब थे, सेब और कीमत, सेब पहले वो 3 खरीदता था कितने रुपए के, 1.25 रुपए की, अब वो 3 सेब खरीद रहा है 1 रुपए के, पहले 3 सेब खरीदता था 1.25 रुपए के, अब 3 सेब 1 रुपए का खरीद रहा है, ठीक है। तो देखिए तो कुल कीमत कितनी, 3 सेब 1.5 रुपए के, अब 3 सेब 1 रुपए का, तो क्या हो रहा है, तो उसकी सेब की कीमत में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 0.25 की, अच्छा 0.25 की कीमत में कमी हुई, कितने पे हुई, 0.25 की कीमत में जो कमी हुई वो 1.25 पे हुई, तो कह रहा 100 पे कितनी होगी, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 25 एकन 25 25 5 100, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, यानी कि 20%, यानी कि उसकी कीमत में जो कमी आई है, सेबों की कीमत में जो कमी आई है वो कितनी आई है, वो आई है दोस्तों 20%, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 16, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको 2:3 है, यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक कलर चेंज रेड कर लेते हैं, देखते हैं कैसा चलता है, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि छोटी संख्या का 20%, देखिए दो संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना है 2:3, हम क्या करेंगे, हम इसे 20:30 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि 20 और 30 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका रेशियो 2:3 ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसे हमने कितना मान लिया, इसे हमने मान लिया है
ट्वेंटी रेशियो थर्टी, ठीक है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का 20 प्रतिशत, यानी कि जो 20 है इसका 20% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 गुना 20 बटे 100 आएगा 4, छोटी संख्या का 20 प्रतिशत और 20 में जोड़ दिया जाए तो इस तरह आप क्या कीजिए कि ये 2 रेशियो जो 3 है इसे 2x और 3x मान लीजिए, 2x 3x या 20x 30x, बात दोस्तों भाई है, ठीक है। तो इस संख्या का 20 प्रतिशत, इसका जब 20 प्रतिशत आप निकालोगे तो कितना आएगा, 20 का 20 प्रतिशत 20x गुना 20 बटे 100 0 0, यानी कि 4x आएगा, कितना आएगा 4x। इस संख्या का 20 प्रतिशत कितना आएगा दोस्तों, 4x, और इस संख्या का 10%, इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 3x, ठीक है। और कह रहा है कि 20 छोटी संख्या का 20 प्रतिशत में 20 जोड़ दिया जाता है, तो छोटी संख्या का 20 प्रतिशत कितना हो गया 4x, इसमें क्या कितना जोड़ दिया जाता है 20, तो ये बराबर हो जाता है किसके, कह रहा है कि बड़ी संख्या का 10% कितना है 3x में जब 25 ऐड कर दिया है के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो देखिए ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 4x में से 3x माइनस करेंगे कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो x का मान कितना आया 5। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या का रेशियो कितना था, छोटी संख्या का जो रेशियो था वो 2x था, चाहे इसमें मान रख लीजिए इसमें मान, बात भाई है। तो देखिए x का मान जब यहां पे रखेंगे कितना आएगा 20 × 100x, और यहां पे अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और इसे जब कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, रेशियो 2:3 आएगा। और तो छोटी संख्या कितनी हो गई, छोटी संख्या 2x, तो 2 × छोटी संख्या कितनी हो गई 100, कितनी हो गई 100, क्योंकि हमने 20x माना था, ये 20x से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो छोटी संख्या कितनी हो गई, छोटी संख्या हो गई आपकी 100, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात, देखिए पुरुष हैं यानी कि मेल और फीमेल, इनके बीच का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। देखिए अगर आपको यहाँ पे अनुपात अगर कम दिया जाए तो आप मान सकते हैं 30:20 मान सकते हैं, और 30 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 300 × 200 मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हम करते हैं ये सब, ठीक है, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, हमने मान लिया कि उनका रेशियो कितना है 30:20 है, यदि पुरुषों का 30% और महिलाओं का 70% भाग क्या है, शिक्षित है, देखिए शिक्षित भाग, शिक्षित की बात कर रहा है, तो पुरुषों का कितना परसेंट शिक्षित है, पुरुषों का जो शिक्षित है वो है 30%, तो देखिए 30 का जब 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 9, और महिलाओं का 70%, 20 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 70% निकालेंगे तो कितना आएगा 14, ये भाग क्या है शिक्षित है, तो शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित, शिक्षित पुरुष शिक्षित कितने हैं 9, महिलाएं शिक्षित कितनी है 14, और अशिक्षित महिलाएं, टोटल महिलाएं कितनी है 20, टोटल महिलाएं हैं 20, जिनमें 14 हैं शिक्षित, तो अशिक्षित कितनी हुई 6 महिलाएं कैसी हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, कैसी महिलाएं हैं, अशिक्षित यानी कि इलिटरेचर अशिक्षित, ठीक है। तो अशिक्षित महिलाएं कितनी हो गई 6, तो कह रहा है शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात, तो देखिए शिक्षित पुरुष 9, शिक्षित पुरुष कितने हैं 9, और अशिक्षित महिलाएं कितनी है 6, तो 3×9 और 3×2 = 6, यानी इनके बीच का जो रेशियो आया है वो कितना आया है 3:2। आगे देखिए, कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है, एक कॉलेज है उसमें गर्ल और बॉय है, तो बॉय और गर्ल, गर्ल्स और बॉय, ठीक है, इनके बीच का जो अनुपात है वो 2:3 यानी कि हमने 20:30 मान लिया, ठीक है। यदि लड़कों का 25% तथा लड़कियों का 30% भाग जो है वो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, देखिए छात्रवृत्ति कितने प्राप्त करते हैं, दो, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त कितने लोगों को होती है कि जो बॉयज हैं, बॉयज का कितने परसेंट है, लड़कों का 25%, यानी कि बॉयज का 25%, तो इसका 25% निकालेंगे 20 का कितना आएगा 4,
ठीक, 20 का अगर हम 25% निकालेंगे तो 4 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, देखिए 20 गुणा 25 बटे 100, 25 चौकू 100 और 4 पंचे 20, सॉरी कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो देखिए कह रहा है कि यदि लड़कों का 25% भाग शिक्षित है तथा लड़कियों का 30%, लड़कियों का भाग कितना शिक्षित है, इसका 30% निकालेंगे आएगा 9। ठीक है, कितना आएगा 9 आएगा। कह रहा है कि लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या, देखिए टोटल छात्र, कुल छात्र कितने हो जाएंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स वो कितने हो जाएंगे 30 और 20 50, ठीक है। और छात्रवृत्ति कितने प्राप्त करते हैं, 9 5 14, और छात्रवृत्ति जो नहीं प्राप्त करते हैं वो कितने हो जाएंगे 50 50, में से 14 छात्र क्या है छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, और छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं वो हो जाएंगे 50 में से 14 माइनस हो जाएंगे 10 में से 4 गया 6, 4 4 में से 1 गया 3, यानी 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और कह रहा है कि कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की प्रत्येक संख्या, तो 36 स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, कितने पे 50 पे, तो कह रहा है 100 पे कितने नहीं प्राप्त करेंगे, तो 50 दूनी 100 और 36 दोनों 72, यानी कि 72% छात्र ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका है जो इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट बना देगा, देखिए कैसे, देखिए बॉयज और गर्ल, बॉयज गर्ल कह रहा है कि इनका जो रेशियो 20-30 है, कितना है 20-30। अच्छा, लड़कों का 25% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, कह रहा है, पहले देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, नहीं प्राप्त नहीं करने वाले मतलब छात्रवृत्ति जिन्हें नहीं मिलती है, ठीक, छात्रवृत्ति जिन लोगों को नहीं मिलती है वो लोग कितने हैं। चाहिए देखिए 25% लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने लड़के ऐसे होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, 100% माइनस 25%, तो कितना हो गया 75%, यानी कि जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो है 75%। तो 20 का 75% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 20 का 75% 20 गुणा 75 बटे 100, ठीक। और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, इन्हें 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त, जब 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो नहीं करती हैं वो कितनी होंगी, 70 माइनस का 30, यानी 70% 70% लड़कियां ऐसी होगी जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो प्लस 30 का 70%, और इन्हें सॉल्व कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा 20 5 100, और 5 से कैंसिल, 5 1 5 5 25 15, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 21 और 15, इतने छात्र क्या करते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, 5 1 6 कितने हो गए 36, 36 प्राप्त करते हैं कितने पे 30 और 20 50, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, तो 36 प्राप्त करते हैं 50 पे, तो 100 पे कितने करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए, तो 100 पे देखिए 50 दूनी 100 36 दूनी 72%, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दो मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो सरल लगे आपको, सिंपल लगे उसे आप अपना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39, आप इसको पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है, विद्यालय है उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है, यदि विद्यालय में 66 छात्र हैं, देखिए 20% ज्यादा है, क्या है विद्यालय में बॉय हैं और गर्ल हैं, बॉय और गर्ल्स हैं, लेकिन क्या है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, अगर लड़के कितने हैं 5, बॉयज कितने हैं 5, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 का 20% 1, यानी कि ज्यादा, एक ज्यादा, तो गर्ल्स जो हो जाएंगी, अगर लड़के 5 हैं तो गर्ल्स 6 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 5 में 1 ज्यादा, यानी कि 5 1 ज्यादा, यानी कि 6 6 बटे 5, यानी कि बॉयज अगर 5 हैं तो गर्ल कितनी हो जाएंगी 6, ठीक। और कह रहा है कि विद्यालय में छात्र कितने हैं 66 हैं, 36 66, तो देखिए 6 और 5 कितना हो गया 11 यूनिट, लेकिन रियल में 11 नहीं, रियल में कितने हैं 66 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 6, तो 5 यूनिट का 6 यूनिट का मान 36 और 5 यूनिट का मान 5 6 30, यानी कि जो बॉयज हैं, बॉयज 5 यूनिट यानी 30 हैं, लड़कियां 6 यूनिट यानी 36 हैं,
कह रहा है कि यदि चार लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार लड़कियां आए कितनी, 36, चार और आ जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 40, यानी कि 40 और लड़के कितने रहेंगे, 30, इनका रेशियो निकालेंगे तो 4:3 आ जाएगा, इनके बीच का अनुपात यही आपसे पूछा गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्या के बीच का अनुपात। आगे देखिए, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 4:1 है, बॉयज और गर्ल, बॉयज हैं और क्या हैं, गर्ल हैं, इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। मैंने बताया था जब इस तरह का अगर रेशियो दिया जाए तो आप 40 क्या मान सकते हैं, आप इस तरह से मान सकते हैं, इसे 40-10 मान सकते हैं, 400 और 100 मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसे सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे एज्यूम कर सकते हैं। कह रहा है यदि लड़कों का 75% भाग और लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 75% लड़के करते हैं तो नहीं करते हैं कितना, 20%। ठीक, और लड़कियां कितनी करती हैं, लड़कियां 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, नहीं करती हैं कितना, 30%। तो बस यही देखिए, 40 का 25% / 100 और प्लस 10 का 30% / 100। ठीक, और तो छात्रों, नए छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करना, तो देखिए 25 चौकू 25 एकन 25 चौकू 100, 4 2 40 और यहां पे देख लीजिए 1 0 2 3, यहां पे कितना आया, 3, तो 10 और 3 13 छात्र, 13 छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 75 छात्रवृत्ति जो जिन्हें नहीं मिलती है वो इतने छात्र हैं। देखिए 75% लड़के हैं जिन्हें मिलती है, तो नहीं मिलते हैं कितने, 25%, और 70% लड़कियां जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, नहीं मिलती है वो कितनी है, 30%। तो 10 का 30% 3 और 40 का 25% कितना हो जाएगा, 40 का 25% 10 हो जाएगा, तो 10 3 13 13 छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अच्छा, कितने पे नहीं मिलती है, टोटल छात्र कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं, वो हैं 50, 40 और 10 50, तो 13 नहीं मिलती है, 13 कितने पे, 50 पे, तो कह रहा है 26 पे, तो 100 पे, 50 दूनी 100 13 दूनी 26, यानी 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका कि आप पहले इसका 75% निकालो, इसका 70% निकालो, उसके बाद में टोटल स्टूडेंट निकालो, टोटल में से माइनस करो, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, नहीं कितने पे नहीं मिलेगी, 50 पे नहीं मिलेगी, फिर इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए x का 15% जो है वाई के 20%, देखिए x का 15% जो बराबर है वो वाई के 20% के बराबर है। मैंने बताया था कि परसेंटेज से परसेंटेज आप काट सकते हो, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से आप परसेंट काट सकते हो। देखिए 5 3 15 और 5 4 20 और 3x बराबर कितना आया, 4y। मैंने बताया था जो वाई के पास होता है वो x का होता है, जो x के पास होता है वो वाई का होता है, यानी x का मान 4 है और वाई का मान कितना है, 3 है। तो कह रहा है कि x रेशियो वाई ज्ञात कीजिए, तो देखिए x का मान 4 है और y का मान 3 है, रेशियो कितना आया, 4:3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 5% b का 4%। ठीक है, a का 5% और b के 4% और a के 6% b के 8% के 2 योग के, देखिए a का 5% प्लस बी का 4%, ठीक बराबर है कितने, ए का 6% प्लस बी का 8%, इसके 2/3 के बराबर है, योग के 2/3 के बराबर है, कह रहा है देखिए ये इसके योग के 2/3 के बराबर। देखिए यहां पे अगर आप चाहो तो परसेंटेज दोनों में है तो परसेंटेज आप काट भी सकते हो, तो यहां पे देखिए कॉमन लेके काट देंगे इस तरह से, देखिए 5a प्लस का 4b ये परसेंटेज है, यहां पे देखिए 6a प्लस 8b ये परसेंटेज है, और इसका ये है 2/3। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15a प्लस 4 3 12b बराबर 2 6 2 6 12a प्लस 8 2 16b। देखिए यहां पर 5a 15a से 12a माइनस हो जाएगा 3a बराबर 16 से 12 माइनस कितना, 4b। तो यहां पे देखिए अपान बी, यानी कि मैंने बताया था जो बी के पास है वो है ए का, यानी कि ए की वैल्यू 4 है, जो ए के पास है वो है बी का, यानी बी का मान 3 है। तो देखिए ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, ए का मान कितना है, 4 है, और बी का मान कितना है, 3 है, तो कह रहा है कि ए रेशियो बी, तो 4:3 आ जाएगा।
ए रेशियो बी, ए का मान चार, बी का मान तीन, चार रेशियो तीन। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने 10% कम अंक प्राप्त किए ए ने बी से। एक परीक्षा है, एग्जामिनेशन हॉल है, ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तब डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। चलिए ठीक है दोस्तों, ए ने बी से देखिए और सी ने डी से, ए बी सी डी मतलब मान लिया कि डी ने जो है वो कितने अंक प्राप्त किए, 100 प्राप्त किए। जो डी ने कितने अंक प्राप्त किए, 100 प्राप्त किए और सी ने डी से 20% कम, जो सी है अगर इसने 100 किए इसने 20% कम यानी 80 प्राप्त किए, और जो बी है बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किए, जो बी है इसने सी से। तो देखिए 80 का 25% जब सॉल्व करेंगे तो 80 × 25/100 तो 25 × 100 और 4 × 2 = 8 यानी कि 20, यानी कि बी ने कितने अंक प्राप्त किए, 100। बी ने कितने भाई देखिए कितना आया, 20 आया, और सी ने कितने किए, 80 और 20 25 और 80 का 25% 20, 20 अधिक किए तो कितने हो गए, 100 हो गए ना। तो कितने प्राप्त किए बी ने, बी ने किए 100। आगे कह रहा है कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, ए ने बी से जो ए है ए इसने बी से 10% यानी बी ने 100 किए तो ए ने कितने किए, 90, और ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, ए ने प्राप्त कितने किए, जो ए है इसने प्राप्त किए यानी कि 90 यूनिट, और 90 यूनिट कितना है, रियल में 90 नहीं प्राप्त किए, रियल में ए ने 360 अंक प्राप्त किए यार। तो देखिए 90 यूनिट कितना है, 360 है, एक यूनिट कितना हो जाएगा, 9 × 36 = 40 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तब डी ने कितने अंक, डी ने कितने प्रतिशत, यानी कि तो डी ने कितने यूनिट प्राप्त किए, डी ने प्राप्त किए 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा, सॉरी एक यूनिट का मान आएगा 4, 0 0 कैंसिल और 9 × 36, तो और इसने 100 यूनिट किए प्राप्त, किसने, डी ने, तो 100 यूनिट का मान 400, अच्छा 400 डी ने प्राप्त किए, लेकिन पूर्णांक कितना था, पूर्णांक आपका 500 था, कितना था 500, तो 400 अंक प्राप्त किए कितने में से किए, 400 अंक जो उसने प्राप्त किए वो किए 500 से, तो 100 पे कितने होंगे, तो देखिए 2 0 2 0 कैंसिल और 5 × 2 = 10 और 20 × 80 यानी कि 80%, जो क्या नाम डी था, डी ने जो अंक प्राप्त किए वो 80% अंक प्राप्त किए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 24 यानी कि 44 कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां 1100 लड़के थे, एक एग्जामिनेशन हुई उसमें गर्ल और बॉयज थे, 900 लड़कियां और 1100 लड़के थे। कह रहा है कि जिसमें लड़कियों का 40% भाग, लड़कों का 25% भाग, ये उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तब अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने हुए। तो देखिए लड़कियां 40% पास हुई तो फेल कितनी हुई भाई, 40% अगर लड़की उत्तीर्ण हुई तो फेल हुई 60%, लड़के अगर 50% यानी कि उत्तीर्ण हुए तो फेल भी हो गए 50%, अंडरस्टैंड। आगे कह रहा है कि लड़कियां हैं कितनी, 900, लड़के कितने हैं 1100, तो 1100 लड़के में हमें क्या ज्ञात करना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, 1100 में अनुत्तीर्ण कितने हुए 50%, तो 1100 का 50% निकाल दो, प्लस लड़कियां कितनी हैं 900 और लड़कियां अनुत्तीर्ण कितनी हुई 60%, तो 900 का 60% निकाल दो, ठीक है। तो देखिए यहां पे 2 0 2 0 कैंसिल, यहां पे इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 11 × 5 = 55 और 1 0 550 लड़के फेल हुए और 9 × 7 = 54 यानी 540 लड़कियां फेल हो गई, तो 540 और 5 इसे जब जोड़ेंगे तो 9 और 1090, तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 1090 लड़का और लड़कियां दोनों फेल हुए हैं, 1090 लड़के और लड़कियां दोनों फेल हुई, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स ये 900 और 1100 कितने हो गए दोस्तों 2000, यानी कि 2000 पे 1090 फेल हो गए, तो कह रहा है 100 पे कितने फेल होंगे, तो देखिए
ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 109/2 यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 यानी 54.5%, 54.5% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़िए, इससे बेस्ट ट्रिक दोस्तों कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। आगे देखिए, एक परीक्षा में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल विज्ञान के विषयों के पूर्णांक क्रमशः इतने 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 हैं। एक एग्जामिनेशन है, उसमें जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, भूगोल विज्ञान के विषयों का जो पूर्णांक है वो 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों को क्रमशः इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, एक मतलब स्टूडेंट है, और इन छात्रों में इतने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो वह गणित, वह गणित विषय कौन सा विषय, गणित विषय, ठीक, गणित विषय कह रहा है कि तो वह गणित विषय जिसका पूर्णांक 180 है में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि उसके चारों विषयों में 60% अंक प्राप्त हों। कितने प्राप्त हों, 60% उसे चारों विषयों में अंक प्राप्त हों। एक परीक्षा में जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, और उनका जो क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटेनी, बायो है, बॉटेनी है, ठीक है, और भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता, हिंदी में ही लिख लेते हैं भूगर्भ, ठीक। इन विषयों के जो पूर्णांक हैं वो कितने हैं, देखिए 120, 140 और 100 हैं। अच्छा, इन विषयों में जो उसने प्राप्त किए हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, इन एक छात्र इन विषयों में, देखिए यहां पर बायोलॉजी में 40% प्राप्त करता है, 40%, तो 120 का 40% कितना हो गया, 120 का 40% हो गया 48, ठीक है, और बॉटेनी में कितने प्रतिशत, 55% प्राप्त करता है स्टूडेंट, तो 140 का 55% कितना हो गया, 140 × 55/100, तो देखिए 140 × 55/100, 100 कैंसिल, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, 2 × 7 = 14 यानी कितना हो गया, 77, ठीक। तो बॉटेनी में वो 77 अंक ले आता है, भूगर्भ विज्ञान में वो कितना प्राप्त करता है, 45%। देखिए 100 का अगर 45% निकालेंगे तो 100% 45 ही आएगा, ठीक है। तो वह गणित विषय जिसका पूर्णांक 180 है, गणित विषय मैथ है यानी कि गणित, गणित विषय है जिसका पूर्णांक कितना है, 180 है, कह रहा है कि इसमें कितने अंक प्राप्त करे कि उसे कुल अंक प्राप्त करे कि उसे चारों विषयों में 60% अंक प्राप्त हों, चारों विषयों में कितने प्राप्त हों, 60% जो कुल है। तो देखिए कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक 120 और 120 और 320, 360, 360 और 180 है मैथ का पूर्णांक, तो 360 180 कितना हो जाएगा, 0, 8, 6, 14, 3, 1, 4, 1, 540 यानी कि पूरा जो पूर्णांक है वो कितने का है, 540 का है, और इसका 60% ज्ञात करता है, एग्जाम में लाता है। तो 540 का 60% जब ज्ञात करेंगे तो 6 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30, 2 = 32 यानी कि 324 अंक टोटल में, 324 अंक लाता है, और इन तीन विषयों में वो इतने अंक प्राप्त कर लेता है, कितने, 48, 45 और 77, कितने हो गए 48, 45 और 77। देखिए 8 × 5 = 13 और 7 = 20, 8 × 5 = 13 7 × 4 = 11 11 × 4 = 15 और 2 = 17 यानी 170, 8, 7, 15, 5, 20 = 0 और 7, 4, 11, 4, 15, 2, 17, 170 इन तीन विषयों में 170 लाता है, और लाने कितने हैं, 324। तो देखिए इन तीन विषयों में 170 लाता है, तो 170 इन तीन विषयों में लाता है, 324 उसे टोटल लाने हैं, तो 324 में से 170 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1 यानी मैथ में कितने लाएगा, मैथ में उसे 154 लाना पड़ेगा, और 154 लाएगा कितने पे, 154 180 पे लाएगा, तो कह रहा है कि 100 में, यानी कि मैथ में कितने प्रतिशत लाता है भाई, 154 लाता है 180 पे, तो 100 पे, देखिए 0 0 कैंसिल, इसे काटेंगे 9 से काट दो, तो 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9
और नौ छह पंद्रह नौ से नहीं घटेगा ठीक है। तो दो नेम दो से काटो, दो नेम अठारह और दो सत्ते चौदह, दो सत्ते चौदह ठीक। तो यहाँ पे देखिए 770 कितना हो गया, जीरो जीरो कैंसिल, दो नेम अठारह, दो सत्ते चौदह, बचा एक, दो सत्ते चौदह यानी कि 770 बटे नौ। तो नौ अठे बहत्तर और पांच सतहत्तर, तो नौ चौक छत्तीस, नौ पना पैंतालीस यानी कि 85 सही, 5/9 प्रतिशत उसे अंक लाने पड़ेंगे मैथ में ठीक। मैथ में 85 सही 5/9 प्रतिशत लाने पड़ेंगे हमें ये एक परीक्षा में जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान के पूर्णांक क्रमशः 120 140 और 101 छात्र इन विषयों में 40 प्रतिशत यानी कि बात चौक 48 और 140 120 140 100 यानी कि इसका 45% 45 लाता है 140 गुना 55/100 जीरो जीरो पाँच दूनी दस और पाँच एक ग्यारह और दो सत्य चौदह ग्यारह सत्य 77 लाता है। तो 8 7 15 5 20 0 4 4 8 7 15 और 2 17 170 और 324 में से 170 घटाएंगे 4 12 में से 7 गया 5 एन 2 में से 1 गया 1 154 लाता है 154 लाता है 180 पे 154 अंक उसे प्राप्त होते हैं किस पे 12 में से 7 गया 5 2 में से 1 गया 1 154 प्राप्त होते हैं 180 पे। देखिए दोबारा देख लीजिए इसे कि यहाँ पे मैथ में उसे 154 अंक लाने हैं और 154 अंक लाता है कितने पे 180 पे लाता है तो कह रहा है 100 पे कितना लाएगा। तो देखिए यहाँ इसे जब कैंसिल करेंगे तो जीरो से एक जीरो काट देंगे, दो नेम 18 और दो पंचे 10, अच्छा 9 6 15 9 एक 9 तो देखिए 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौकू 20 और पचम 25 और 27 5 एक 5 2 7 बटे 9 यानी कि सही है 85 सही 5/9% उसे अंक क्या लाने पड़ेंगे किसमें मैथ में ठीक है। आगे देखिए सही है कोई दिक्कत नहीं। एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो 3:2 है यानी कि मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो है वो कितना है, मेल और फीमेल के बीच के मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो है वो 3:2 है। यदि 20% पुरुष यानी कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मेल और फीमेल के बीच जो रेशियो 3:2 है हम इसे सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे इसे 300 और 200 मान लेंगे ठीक है 300 और 200 मान लेंगे। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं शिक्षित हैं तो देखिए 300 में ये क्या है ये जो एजुकेटेड हैं एजुकेटेड जो हैं उनकी संख्या EDUCATED ठीक एजुकेटेड उनकी संख्या कितनी है उनकी संख्या 20% तो पुरुष हैं तो पुरुष आए कितने 300 मेल कितने हैं 300 फीमेल कितनी है 220% पुरुष तो 300 का 20% जब निकालेंगे तो 60 आएगा कितना आएगा 60। और जो फीमेल है फीमेल का 25% महिलाएं शिक्षित हैं तो इसका जब 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 50 ये कैसे ये आ जाएंगे एजुकेटेड यानी जो लोग कैसे हैं शिक्षित हैं तो कह रहा है कि तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए शिक्षित कितने लोग हैं टोटल 6 5 11 110 कितने पे हैं 3 2 500 पे 300 टोटल टोटल जो मेल मेल फीमेल है वो कितने हैं 500 हैं तो 500 पे तो कह रहा है 100 पे कितने होंगे देखिए 2 0 2 0 कैंसिल 5 1 5 2 10 बचा 1 5 2 10 यानी 22% यानी कि कह रहा है कि तो टोटल तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत जो है वो 22% है कितना है 22% ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आगे कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए टोटल कितने बनाए 130 रन बनाए और कह रहा है कि 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं तब उसके द्वारा दौड़े गए रनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया उसने बिना दौड़ कितने रन बनाए उसने बिना दौड़ के जो रन बनाए हैं वो 5 चौके और 5 छक्के हैं। देखिए चौका 4 रनों का होता है तो 5 × 4 कितने हो गए 5 चौके 20 हो गए और 5 छक्के छक्का कितने का होता है 6 रनों का 5 × 6 56 30 रन हो गए यानी कि ये 30 और 20 ये तो रन उसने बनाए लेकिन बिना दौड़ के यानी कि टोटल कितने रन हो गए 50 रन उसने ऐसे बनाए जिसमें कोई उसे मतलब मेहनत तो करनी पड़ी लेकिन दौड़ना नहीं पड़ा। तो देखिए टोटल रन कितने हैं 130 में से 50 रन बिना दौड़ के बना लिए यानी कि 0 और 12 में से 7 गया 5 गया 7 यानी कि 50 रन उसने बिना दौड़ के तो 70 रन उसने क्या बनाए दौड़ के बनाए अच्छा 70 रन दौड़ के बनाए
लेकिन कितने पे बनाए 130 पे, तो 130 पे तो कह रहा है 100 पे, तो देखिए जीरो जीरो कैंसिल। अच्छा एक बटे तेरह जो होता है, एक बटे तेरह तेईस सते मतलब यानी कि सात सही नौ बटे तेरह होता है, तो हम अगर कितने का हमें ज्ञात करना है सात बटे तेरह, तो सात बटे तेरह का जब मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सात सते उनचास असान्य तिरसठ बटे तेरह, तेरह का भाग लगाएंगे इसमें लग जाएगा तेरह तेरह चौकू बावन और उनचास और चार त्रेपन त्रेपन और बावन कितना बावन त्रेपन सही ग्यारह बटे तेरह, ये इसका परसेंटेज मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बटे तेरह का हमें मालूम है सात सही नौ बटे तेरह परसेंट, तो सात बटे तेरह सात का मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो त्रेपन सही ग्यारह बटे तेरह परसेंट आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु के निर्माण में चार अवयवों की जरूरत पड़ी, चार अवयवों का प्रयोग हुआ जो तीन रेशियो चार रेशियो पांच रेशियो छह के अनुपात में यूज हुए। कह रहा है कि इन चारों अवयवों की कीमतों में क्रमशः इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इतने की कमी फिर इतने की वृद्धि हुई। तब कह रहा है वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए कि उसकी जो टोटल कीमत थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा, कि कीमत में वृद्धि हो गई कि कीमत कम हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको ज्ञात करनी। देखिए निर्माण में चार अवयव हैं, हमने मान लिया कि 30 रेशियो 40 रेशियो 50 रेशियो 60 के रेशियो में यूज हुए हैं। देखिए इनकी चारों की कीमतों में कीमत 10% की वृद्धि, 30 का 10% इसमें 10% क्या हुआ इंक्रीज हो गया, इसका 10 का 10% जब निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 30 से कितना हो गया 33। ठीक, यहां पे तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे 3 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अच्छा यहां पे 20% की कमी हुई, फिर क्या हुई 20% की कमी, तो 20% की जब कमी हुई तो इसका 20% यानी कि 8 की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई 8 की। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फिर 30% की कमी हुई है तो 30% डिस्काउंट हुआ यानी कि कमी हुई, तो इसका 30% कितना आएगा 15 की कमी हुई। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है कितने का 40% का। ठीक है, तो इसका 40% कितना आएगा 24। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि टोटल में यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। देखिए 24 और 3 27 तो भैया आए प्लस के, माइनस के 15 और 8 23, माइनस का 23 यानी कि 5 की वृद्धि हुई टोटल में, कितने की वृद्धि हुई 5 में। तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए, तो देखिए 5 की क्या हुई वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 5 की, तो 5 की वृद्धि अच्छा कितने पे हुई, 5 की जो वृद्धि हुई वो आपकी हुई है 40 30 70 और 50 120 और 6 180 पे। तो कह रहा है कि 100 पे ज्ञात कीजिए, जीरो जीरो कैंसिल, यहां पे 50 बटे 18, 2 से 25 बटे 9, 9 3 27 9 2 18, 18 और 7 25, 2 सही 7 बटे 9 प्रतिशत क्या हुआ इंक्रीज हुआ, 2 सही 7 बटे 9 प्रतिशत क्या हो गया इंक्रीज हो गया उसकी कीमत में, यानी कि उसकी जो वैल्यू हुई वैल्यू थी उसमें इंक्रीजमेंट हुआ, क्या हुआ इंक्रीजमेंट, कितने का इंक्रीजमेंट हुआ 2 सही 7 बटे 9% का इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ा दिया जाता है, क्षेत्रफल में 60% की कमी की जाती है, तब इसके आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज जो होता है या उसमें लंबाई यानी कि त्रिभुज जो होता है उसका अगर क्षेत्रफल देंगे तो देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंच आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं हाइट, तो बेस यानी बी ले लिया हाइट एच ले लिया। तो देखिए कोई त्रिभुज था, त्रिभुज का जो आधार बेस और ये हाइट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। ठीक, बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि यदि इसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो ऊंचाई
ऊंचाई को क्या किया जाता है 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5 होती है दोस्तों। तो 5 से 2 बढ़ाया कितना हो गया, अगर ऊंचाई उसकी पहले कितनी थी 5 और 2 का इंक्रीमेंट हो गया कितनी हो गई ऊंचाई 7, ठीक है दोस्तों। और यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होती है 60% की फ्रैक्शन क्या बनेगी दोस्तों 3/5, 3/5 यानी कि अगर उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, पहले 5 था तो 3 इंक्रीजमेंट हुआ, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 8 हो गया। तो इसकी आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि आधार की लंबाई में कितनी वृद्धि करनी पड़े ताकि उसका क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहां पे ऊंचाई 5 है और आधार मैंने मान लिया x है, कितना है x मान लिया, तो देखिए आधार 1/2 आधार इंटू x इंटू हाइट ऊंचाई 5 बराबर क्षेत्रफल कितना है 5 यूनिट, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 2 यानी कि पहला उसके पहला मतलब पहले जो आधार की लंबाई थी वो 2 यूनिट थी, कितने यूनिट थी 2 यूनिट थी। अच्छा अब आधार यहां पे आधार में क्या वृद्धि होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लिया कि 1/2 आधार बाई मान लिया आधार, ठीक है, कि जो वृद्धि होके जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ भी परसेंटेज चेंज हुआ होएगा, ठीक है, कुछ भी परसेंटेज वृद्धि हुई होगी यहाँ पे कुछ भी क्या हुआ होगा प्रतिशत परिवर्तन जो आया होगा प्रतिशत चेंज वृद्धि हुई होगी वो मैंने मान लिया, होने के बाद यहाँ पे बाई इसका आधार आया तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई है ऊंचाई हो गई है 7 तो इंटू 7, ठीक है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया है वो कितना हो गया है 8 हो गया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर y का मान कितना हो गया 8 × 16/7, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 2 = 14 यानी कि 16 में 7 का भाग देंगे 7 × 2 = 14, 14 और 2 = 16 फिर 7 × 2 = 14 और कितना बचा 6 फिर 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 फिर 7 × 5 = 35 फिर 7 × 7 = 49 यानी कि 2.2857 ये क्या आया, ये जो आया है इसका बेस आधार पहले 2 था अब 2.2857 हो गया तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ इनका में इंक्रीजमेंट 0.2857 का हुआ। अच्छा इतने की जो वृद्धि हुई वो कितने पे हुई 0.2857 की जो वृद्धि हुई वो 2 पे हुई तो कह रहा 100 पे कितनी होगी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो दशमलव है डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे उठ के आ जाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 28.2857/2, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 × 2 = 2 + 2 = 4 + 2 = 4 + 2 = 16 और 2 × 5 = 10 यानी कि 14.285% क्या होएगा इसमें इसके बेस में इंक्रीजमेंट होएगा इसका जो आधार की लंबाई है जो बेस है आधार की लंबाई है पहले जो 2 थी वो अब 2.857 हो गई तो इसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो कितने की वृद्धि हुई वो 14.285% का चेंजमेंट हुआ। और यहाँ पे जो क्या इसका जो हाइट थी ये 40% बढ़ाई जाती थी तब जाके इसका जो क्षेत्रफल था वो 60% बढ़ जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन ही लाया था, आगे की क्लास में इसके आगे के 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी स्पीड बेहतर और मतलब अच्छी होगी। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और बने रहिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, इससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप लोगों का ढेर सारा प्यार आप लोग अपना बनाए रखिएगा, ठीक है।